बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। MTH 501 लीनियर अलजेब्रा लेक्चर नंबर 12 आज डिस्कस करेंगे। इसमें हम डिस्कस करेंगे इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। ए इज़ एम एन क्रॉस एन मैट्रिक्स। ए एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर एन क्रॉस एन है। इसी तरह सी एक और मैट्रिक्स है एन क्रॉस एन, इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए। सी को हम कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए, देन सेटिस्फाई कंडीशन ए मल्टीप्लाई सी इज इक्वल टू सी मल्टीप्लाई ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अगर ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो वो इनका रिजल्ट अगर ये आइडेंटिटी आ जाता है उसको क्या कहेंगे, इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। इसी तरह नेक्स्ट देखें इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होता है, द इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स एग्जिस्ट। अगर इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर जाता है उसको क्या कहते हैं, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। इन दिस केस ए इज इन्वर्टिबल, वी कॉल सी इज इनवर्स ऑफ ए। उसको क्या कहेंगे, सी को इनवर्स ऑफ ए कहेंगे। अब एक नोट है, बी इज़ एन अदर इनवर्स ऑफ ए। अगर बी कोई दूसरा इनवर्स ए का है तो ये फॉलोइंग कंडीशन होल्ड करेंगी। इन कंडीशन जैसे बी इज इक्वल टू बी आइडेंटिटी, इसी तरह बी इंटू ए सी या बी ए इंटू सी आइडेंटिटी सी इज इक्वल टू सी, ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये होल्ड करेंगे। अब इन्होंने यही कहा है कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स जो होता है वो यूनिक मैट्रिक्स होता है। ए इज इन्वर्टिबल, द इनवर्स इज यूनिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अक्सर क्विज में पूछी जाती है कि अगर ए इन्वर्टिबल है तो उसका इन्वर्स क्या होगा, यूनिक होगा। अब इसी तरह इन्वर्स ऑफ ए, इन्वर्स ऑफ ए को किस तरह डिनोट करते हैं, ए इन्वर्स के साथ। अब उसकी कंडीशन है कि ए ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी या ए इनवर्स ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अब वी नो दैट ए द मैट्रिक्स ए इज़ नॉट इन्वर्टिबल। अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है वो नॉट इन्वर्टिबल है, समटाइम उसको क्या कहेंगे, समटाइम कहा सिंगुलर मैट्रिक्स। इसी तरह इन्वर्टिबल मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉट इन्वर्टिबल को कहेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स और जो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगा उसे नॉन सिंगुलर कहेंगे। ये शॉर्ट सी बात है। अब नेक्स्ट देखें कि ए इनवर्स ए इज इक्वल टू ए ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ये भी हमने पीछे पढ़ा है। इसी तरह ए इनवर्स को हम क्या कहते हैं, वन ओवर ए इन केस ऑफ रियल नंबर। अगर रियल नंबर हमारे पास है थ्री इनवर्स तो उसे किस तरह लिखेंगे, वन ओवर थ्री। ए इनवर्स इन फैक्ट ऑफ थ्री क्रॉस थ्री मैट्रिक्स द क्रॉसपॉन्डिंग एन क्रॉस एन एंट्रीज। बस यही बात की गई है कि अगर ए इनवर्स हमारे पास एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है तो उसमें ए जो होगा वो भी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स होगा, तभी सेटिस्फाई कंडीशन जो है ये सेटिस्फाई होगी, अदरवाइज ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। अब इसकी एग्जांपल देखें ताकि आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाए। अब देखें ए एंड सी कोई दो मैट्रिक्स हैं, अब दोनों के आर्डर सेम होने चाहिए तभी वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब इसका देखें टू बाई टू आर्डर है, इसी तरह इसका भी टू बाई टू है, टू रो एंड टू कॉलम, इसी तरह टू रो एंड टू कॉलम। अब इसको करेंगे मल्टीप्लाई, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, अब यहाँ देखें ए मैट्रिक्स इसी तरह सी मैट्रिक्स, ए और सी को मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी रो और ये कॉलम, इसी तरह ही फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, क्या होगा टू क्रॉस सेवन फोर्टीन, फाइव क्रॉस थ्री फिफ्टीन, इसी तरह टू क्रॉस फाइव टेन एंड फाइव क्रॉस टू टेन। नेक्स्ट देखें नेक्स्ट रो इसी तरह कॉलम वन एंड कॉलम टू, इसको करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। इन दोनों को ऐड किया तो ये आइडेंटिटी आ गई। अब यहाँ देखें अगेन अगर इनको चेंज कर लेते हैं, सी ए करते हैं तो सी ए को दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे, ये रिजल्ट आ जाएगा, इसका भी आइडेंटिटी आ गया। सो हम प्रूव कर सकते हैं कि जो कंडीशंस थी कि ए सी या सी ए क्या रिजल्ट दे रही है, आइडेंटिटी दे रही है। नेक्स्ट थ्योरम है ए अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है जिसका आर्डर क्या है टू बाई टू। अब इन्होंने यही कहा है कि इसका जो डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अब डिटर्मिनेंट क्या होता था कि यहाँ देखें डिटर्मिनेंट की भी बात की गई है कि डिटर्मिनेंट क्या होता है कि ए सी माइनस सी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, इसको मल्टीप्लाई फिर माइनस इसको मल्टीप्लाई। अब यहाँ देखें इन्होंने कहा है कि अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो और द ए इनवर्स एंड द ए इज़ इन्वर्टिबल, अगर ए इसका जो डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा देन ए इज़ इन्वर्टिबल या नॉन सिंगुलर।
तब वो कंडीशन कौन सी होल्ड करेगा, ये कंडीशन होल्ड करेगा। इसी तरह अगर ए इनवर्स डिटर्मिनेंट जो है वो इक्वल टू जीरो हो जाता है तो ए क्या होगा, नॉट इन्वर्टिबल यानी सिंगुलर होगा, तब ये होल्ड नहीं करेगा। अब एग्जांपल नंबर टू देखें, एक हमारे पास मैट्रिक्स दिया गया है, सबसे पहले तो उसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया है। अब डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो आ गया तो इसका क्या मतलब है कि वो नॉन सिंगुलर सिंगुलर है, सॉरी नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर है। जब वो नॉन सिंगुलर है तो इसका मतलब वो फार्मूला पुट होगा यहाँ पे कि एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट क्या होता है, इसकी और इसकी अलाम जगह चेंज होती है, इसकी और इसकी अलामत चेंज हो जाती है। अब इसकी अलामत चेंज करने के बाद ये क्वेश्चन आ गया। अब इसी तरह इसका जब डिटर्मिनेंट लिया तो ये आंसर आ गया। अब इसको बारी बारी इन सब वैल्यू के साथ डिवाइड करेंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ डिवाइड करने से ये इसका सोल्यूशन आ गया, तो ये क्या हो गया, ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। अब इसका इन्वर्स फाइंड करना था, सो इन्वर्स फाइंड कर लिया। नेक्स्ट थ्योरम है कि ए इज़ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। अगर ए हमारे पास इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, उसका इन्वर्स जो होगा तो उसकी ये कंडीशन होगी, ए इन्वर्स एंड होल इन्वर्स किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल होगा। यानी ए अगर इन्वर्टिबल है, उसका जो इन्वर्स है, इन्वर्स भी इन्वर्टिबल हो, तो उसका अगर इन्वर्स का दोबारा इन्वर्स लिया जाए तो क्या आंसर आएगा, ए आएगा। अब इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है ए और बी। अगर ए और बी दोनों का ऑर्डर सेम हो, एन क्रॉस एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हो, जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे इसी तरह उसका जो प्रोडक्ट होगा वो भी इनवर्स ऑफ ए एंड बी के इक्वल आ जाएगा। कैसे, अब यहाँ देखें, ए और बी को अब मल्टीप्लाई किया, इसी तरह इसके इनवर्स लेंगे तो किसके इक्वल होगा, सेपरेट उसके इनवर्स के भी इक्वल आ जाएगा, बी इनवर्स और ए इनवर्स। नेक्स्ट देखें, ए इज़ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। अगर ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, द ए का ट्रांसपोर्ट इन्वर्स ऑफ ए ट्रांसपोर्ट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ ए इन्वर्स, तो वो ये कंडीशन है हमारे पास कि अगर ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, यानी ए का कोई भी आर्डर है, 2x2, 3x3 कोई भी, उसका अगर हम ट्रांसपोर्ट लें और फिर उसका इन्वर्स लें तो वो किसके इक्वल होगा, ए इन्वर्स का दोबारा ट्रांसपोर्ट लें, तो ये कंडीशन होल्ड करेगी, यानी ये भी एक कंडीशन है। अब इसका प्रूफ है, ये देख लीजिएगा, मैट्रिक्स है इसी तरह, ए का जब ट्रांसपोर्ट लेंगे तो वो ये आ जाएगा, ए इज़ इन्वर्टिबल डिटर्मिनेंट। अब इसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई ए बी ए डी एंड बी सी इज़ नॉन ज़ीरो। ये नॉन ज़ीरो है तो इसका मतलब नॉन सिंगुलर होगा। ए ट्रांसपोर्ट इज़ आल्सो इन्वर्टिबल। अब ए ट्रांसपोर्ट क्या था, ए डी एज इट इज़, अब इसकी और इसकी जगह चेंज हुई, सी और बी आ गई। अब क्या होगा यहाँ पे, अब यहाँ देखें, ए ट्रांसपोर्ट का इन्वर्स लेना है तो क्या होगा, इस वैल्यू का इन्वर्स लेना है तो क्या होगा, डिटर्मिनेंट इन्वर्स का क्या फार्मूला था, ए इन्वर्स का एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट हमारे पास क्या था, ये एडजॉइंट की वैल्यू है, अब इसका दोबारा एडजॉइंट लेना है, एडजॉइंट बी यहाँ पे डी और ए ये इसका लेना है, और इसी तरह इसका सी और बी, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू लिख लिया, ए इनवर्स का क्या वैल्यू आ गई, ये आ गई। अब नेक्स्ट देखें, इसे इनवर्स का डिटर्मिनेंट लेने से ये आंसर आ गया, सो हमने कह दिया है कि ये आपस में क्या है, इक्वल है, सो सेटिस्फाई हो गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल नंबर फोर देखें, इन्वर्स ऑफ प्रोडक्ट ए और बी, वही जो थ्योरम थे ना उसको बारी बारी हम एग्जांपल से सॉल्व कर रहे हैं। अब ए और बी को मल्टीप्लाई करें, अब इनको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, रो को कॉलम के साथ इसको मल्टीप्लाई किया तो इसका ये आंसर आ गया। अब इसी आंसर को हमने उसका इन्वर्स करना है तो क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ, अब इसका एडजॉइंट करेंगे इसी तरह इसी का ही डिटर्मिनेंट करेंगे, एडजॉइंट क्या आ जाएगा, इसकी जगह चेंज हो जाएगी, 8 और 7 इसी तरह इनकी और इसके साइन चेंज हो जाएगा, ये आ गया। अब इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, डिटर्मिनेंट क्या आएगा, अब यहाँ देखें, 7 8 इसी तरह -6 9, इसका जो डिटर्मिनेंट आया वो -2 आ गया, सो ये आ गया। अब इसको बारी बारी सबके साथ डिवाइड कर दें, ये इसका सोल्यूशन आ गया। अब इसी तरह ए का अलग लें, बी का भी अलग लें, और उन दोनों को एंड पे मल्टीप्लाई कर दें, सो ये कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। अब यहाँ देखें, इसका आंसर और इसका आंसर सेम है, सो इसका मतलब क्या हो गया कि ये सेटिस्फाई होगी।
अब नेक्स्ट देखें, थ्योरम ए इज इन्वर्टिबल एंड ए इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। अगर ए हमारे पास इन्वर्टिबल है, इसी तरह एन क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, तो वो सेटिस्फाई करेगा कंडीशन। कौन सी कंडीशन है, अब इस कंडीशन को भी हाईलाइट कर लेते हैं। ए एन इज इन्वर्टिबल एंड ए एन होल इनवर्स इज इक्वल टू ए माइनस एन इज इक्वल टू ए इनवर्स होल इनवर्स, ये कंडीशन होल्ड कर जाएगी। इसी तरह नेक्स्ट है कि कोई स्केलर है, उसके साथ ए को मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, के ए का इनवर्स इज इक्वल टू के इनवर्स ए इनवर्स। अब नेक्स्ट देखें, रिलेटेड टू द अबव थ्योरम। अब हमारे पास एग्जाम्पल है, लेट ए, ए कोई वैल्यू है, ए कोई मैट्रिक्स है, टू क्रॉस टू मैट्रिक्स है। अब इसका इन्वर्स लेंगे, क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए और डिटरमिनेंट ऑफ ए, सो ये आ जाएगा। इसी तरह ए थ्री, ए थ्री का क्या मतलब है, ए माइनस थ्री, यानी ए इन्वर्स इसकी पावर थ्री। सबसे पहले तो ए इन्वर्स, ए इन्वर्स का आंसर क्या आ गया था, थ्री माइनस टू वन एंड वन। इसी तरह थ्री का मतलब है कि ये थ्री टाइम है, सो हमने इसको थ्री टाइम लिख लिया। अब इन थ्री टाइम को आपस में मल्टीप्लाई किया, क्या सबसे पहले तो इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे, उनके आंसर को नेक्स्ट इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर हमने यहाँ पे लिख लिया है कि ये आ गया। अब यहाँ देखिए, हमने इसका आंसर ऐसे लिखा, ये ए इनवर्स का है, इसी तरह ए। अब पहले हम ए इनवर्स का किया, ए इनवर्स ऑफ थ्री, इसी तरह ए थ्री का। अब यहाँ देखें, इसके उसमें जस्ट थोड़ा सा फ़र्क है, यहाँ इनवर्स है और ये है। अब अगर उन्होंने कहा इसका दोबारा, अब इसी का दोबारा हमने इन्वर्स लिया है, तो क्या आ गया, सेम एज इट इज़, वही आंसर आ गया ना, सो सेटिस्फाई हो गई वो कंडीशन। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट ए मैट्रिक्स एंड के स्केलर। अगर के स्केलर के साथ हम मल्टीप्लाई कर लें तो क्या होगा, इसी मैट्रिक्स को थ्री के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह इसका इन्वर्स ले लेंगे, क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट ए का अलग से इन्वर्स लें और के का अलग से इन्वर्स लें, सो क्या आ जाएगा, इक्वेशन वन एंड टू। अब इक्वेशन वन और टू को देखें, दोनों का आंसर सेम है, तो कंडीशन क्या कर गई, होल्ड कर गई, सो ये रिजल्ट आ जाएगा। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ रही होगी, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बस मल्टीप्लिकेशन ही है। नेक्स्ट देखें, एलिमेंट्री मैट्रिक्स। अब इसमें बात की गई है, अब इसमें क्या है, थ्री कंडीशंस हैं, थ्री टाइप्स ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशन। कौन कौन सी हैं, इंटरचेंजिंग ऑफ एनी टू रोज, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रो बाय द नॉन जीरो कांस्टेंट, एडिंग मल्टीपल ऑफ वन रो टू एन अदर। अब यहाँ पे क्या है, इंटरचेंजिंग ऑफ एनी टू रो। अब सबसे पहले तो ये कंडीशन है कि इंटरचेंज कर सकते हैं दो रो को, जब हम एचिलान टू रिड्यूस एचिलान फॉर्म करते हैं थे ना, तो रो को इंटरचेंज करते थे सबसे पहले कि पिवट पोजीशन जो है वो स्टार्ट में होनी चाहिए। अब नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन रो बाय नॉन ज़ीरो कांस्टेंट, यानी किसी रो को हम मल्टीप्लाई भी करते हैं किसी नॉन ज़ीरो कांस्टेंट के साथ, उसके बाद एड हम मल्टीप्लाई करते हैं एक रो को दूसरी रो के साथ। नेक्स्ट क्या, एलिमेंट्री मैट्रिक्स। एलिमेंट्री मैट्रिक्स इज़ अ मैट्रिक्स रिजल्ट फ्रॉम अप्लाई द सिंगल एलिमेंट रो ऑपरेशन इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या है कि एलिमेंट्री मैट्रिक्स का रिजल्ट तब अप्लाई करते हैं कि हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स हासिल करने के लिए एलिमेंट्री मैट्रिक्स के जो रूल्स हैं वो अप्लाई करते हैं, ये वाले रूल्स। अब फॉर एग्जाम्पल, एक कोई मैट्रिक्स है, इसमें हम क्या, हमने क्या किया हुआ है आइडेंटिटी बनाने के लिए। अब यहाँ देखें, यहाँ हमने माइनस थ्री, यानी इस रो सेकंड रो के साथ माइनस थ्री को मल्टीप्लाई कर लिया। अब यहाँ देखें इस मैट्रिक्स में, ये क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, फोर्थ रो ऑफ आई फोर। अब ये जो है, अब हमें क्या चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए, ये इसको दूसरी रो में चला जाना चाहिए और इसको क्या फोर में हो जाना चाहिए, तो क्या करेंगे, इंटरचेंज कर लेंगे। अब यहाँ देखें, यहाँ पे क्या है, थ्री टाइम ऑफ थर्ड रो इन आई थ्री इन फर्स्ट रो। अब यहाँ देखें, इसको ज़ीरो बनाना है, तो क्या करेंगे, इसको ज़ीरो बनाने के लिए ऐड थ्री टाइम इन थर्ड रो, इसको थ्री टाइम ऐड कर लेंगे एंड आई थ्री को इन फर्स्ट रो के साथ फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब यहाँ देखें, यह मल्टीप्लाई फर्स्ट रो ऑफ आई थ्री इन वन, इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे, वैसे भी ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये वैसे एग्जाम्पल्स दी गई हैं जर्नल से, इसको बस वैसे अंडरस्टैंडिंग के लिए दी गई हैं। नेक्स्ट देखें, थ्योरम दिया गया है, एक थ्योरम, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसके स्टेटमेंट भी आप एज इट इज़ तैयार करेंगे
कि ए जो है एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी ए कोई एन क्रॉस एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, द एलिमेंट्री मैट्रिक्स ए रिजल्ट बाय द परफॉर्मिंग सर्टेन रो ऑपरेशन। अब कोई भी एलिमेंट्री मैट्रिक्स ई है उसको परफॉर्म करेंगे उसी तरह रो ऑपरेशन के साथ, कि क्या बनाने के लिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए। द प्रोडक्ट ऑफ, इसका जो प्रोडक्ट होगा ए द मैट्रिक्स रिजल्ट सेम रो ऑपरेशन इज परफॉर्म ऑन ए। वो कह रही है कि ए अगर कोई मैट्रिक्स है उसमें एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाएं ई के साथ, यानी ई भी कोई मैट्रिक्स है उसको मल्टीप्लाई करेंगे रो ऑपरेशन के साथ, तो वो क्या करेगा, सेम रिजल्ट देगा सेपरेटली उसका अलग करने से। अब यहाँ देखें, इसकी समझ आपको मज़ीद इस एग्जांपल से आ जाएगी। ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है। अब ये जो ए मैट्रिक्स है ये क्या है, इसमें थ्री रोज़ हैं एंड फोर कॉलम, क्या हो गया, थ्री क्रॉस फोर का मैट्रिक्स है। अब फाइंड द एलिमेंट्री मैट्रिक्स ए। अब ई एक एलिमेंट्री मैट्रिक्स करना है, उसको क्या करेंगे, ई ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एडिंग फोर टाइम ऑफ द फर्स्ट रो एंड ए इज़ थर्ड रो। अब यहाँ देखें, इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। ई कोई थ्री क्रॉस थ्री मैट्रिक्स है, द प्रोडक्ट, उसका जो प्रोडक्ट लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, आई थ्री। अब एडिंग फोर टाइम फर्स्ट रो इन आई थ्री। अब यहाँ देखें, ई कोई मैट्रिक्स है उसको ऐड करना है। अब यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स उन्होंने दे दिया, नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि वो ऐड करना है फोर टाइम फर्स्ट रो को इन आई थ्री में, तो क्या आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब हमने इसको क्या किया है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, सेम एज इट इज़ मल्टीप्लाई कर देने, इस रो को इस कलम के साथ, फिर इस कलम के साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, इसी तरह ये और ये सारा प्रोसेस करने के बाद ना ये रिज़ल्ट आ जाएगा। अब इस रिज़ल्ट में भी हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स चाहिए। द लेफ्ट मल्टीप्लीकेशन ई डज नॉट इन फैक्ट ऑफ एड फोर टाइम द फर्स्ट रो ऑफ ए इन द थर्ड रो। वही बात किया है कि ए को इन सब के साथ करेंगे, इसी तरह ई के सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आंसर आ जाएगा। अब हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए वही एचिलान फॉर्म, रिड्यूस एचिलान बनाने के लिए, यहाँ देखें पिवट पोजीशन ए है, इन दोनों को ज़ीरो बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको भी ऐसे ही रो के साथ माइनस कर लेंगे, क्या होगा, आर टू माइनस टू आर वन, इसी तरह आर थ्री माइनस फाइव आर वन, ये करेंगे यहाँ ज़ीरो बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पे वन होना चाहिए और यहाँ ज़ीरो होना चाहिए, तो ये ऑपरेशन करने से आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। अब यहाँ देखिए, उन्होंने कहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ आई बैक अगेन, अगेन दोबारा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, द रो ऑपरेशन ऑफ आई इज़ द प्रोड्यूस ऑफ ई, मल्टीप्लीकेशन आइथ बाई सी नॉट इक्वल टू द इंटरचेंज। अब ये ऑपरेशंस है, इसको भी आप याद कर लीजिएगा, वैसे ही अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बार पढ़ लीजिएगा, इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देखें एग्जाम्पल नंबर सेवन। एग्जाम्पल नंबर सेवन में क्या है, रिकवरिंग आइडेंटिटी मैट्रिक्स फ्राम एलिमेंट्री मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स को एलिमेंट्री मैट्रिक्स के साथ कवर करना है। अब देखें आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, सबसे पहले तो हमने मल्टीप्लाई किया किसे, सेवन के साथ, तो ये आंसर आ गया। अब उसको दोबारा हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा। यानी रिकवरिंग में क्या बात की थी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को एलिमेंट्री मैट्रिक्स में करने के बाद दोबारा एलिमेंट्री मैट्रिक्स में किया है। अब यहाँ देखें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हमने क्या किया, एलिमेंट्री मैट्रिक्स के साथ, यानी इस रो को मल्टीप्लाई कर दिया सेवन के साथ। नेक्स्ट इसको अगर डिवाइड कर दें सेवन को सेवन के साथ, तो अगेन हमें क्या हासिल हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। इसी तरह दोबारा देखें, ये मैट्रिक्स है, ये वही बात की गई है कि अगर हम इसकी रो चेंज कर लेते हैं, ये रो चेंज किए हैं तो ये हो गया, इसी तरह अगर हम दोबारा रो चेंज करेंगे तो ये मैट्रिक्स आ जाएगा। ये ऐसे शॉर्ट्स एग्जांपल्स देखें। अब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इससे क्या करेंगे, फर्स्ट तो हम एट फाइव टाइम इन सेकेंड रो इन फर्स्ट टाइम, यानी इसको क्या करेंगे, इसी मैट्रिक्स को ऐड किया है फाइव टाइम, उसके बाद ऐड कर दिया है फर्स्ट रो के साथ, तो ये आ जाएगी। अगेन अगर इसको क्या करेंगे, डिवाइड माइनस फाइव के साथ ऐड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ये बस रिकवरिंग है और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट थ्योरम है, द एलिमेंट्री मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल, इनवर्स इज ऑल्सो। अब एलिमेंट्री मैट्रिक्स, अगर एलिमेंट्री मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है तो उसका जो इन्वर्स होगा वो भी एलिमेंट्री मैट्रिक्स ही होगा। अब यहाँ देखें, ई वन ई टू ई थ्री ये हमारे पास क्या है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हैं। अब इन सब को अगर हम ए के साथ मल्टीप्लाई करें, ए क्या है, ए भी एक मैट्रिक्स है, इसको मल्टीप्लाई करें बारी बारी,
अब यहाँ देखें C1A, इसी तरह C2A एंड C3A, इसको बारी बारी क्या किया है, इनके साथ मल्टीप्लाई किया है, तो क्या है ये एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, वही रो ऑपरेशंस जो थ्री रो ऑपरेशंस लगाए हैं उसकी मदद से हमने इसको मल्टीप्लाई किया, सो इसका आंसर है ये। अब नेक्स्ट देखें लेफ्ट मल्टीप्लीकेशन। लेफ्ट मल्टीप्लीकेशन क्या है कि किसी भी मैट्रिक्स के स्टार्ट में अगर हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 क्रॉस n, जैसे यानी 3 को मल्टीप्लाई किया n मैट्रिक्स के साथ, इसी तरह 4 टाइम, ये बस ऐसे जनरल सी बात है, इसको भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है E1। E1 हमारे पास कोई है, अब E1 को इनटू आइडेंटिटी द ट्रांसफॉर्म, E1 को हमने आइडेंटिटी में ट्रांसफॉर्म करना है, तो क्या करेंगे, इसका इन्वर्स ले लेंगे। क्या किया है, डज दैट E1 इन्वर्स, ये आ जाएगा E1 इन्वर्स, यानी ये नेगेटिव पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। अब थ्योरम है, थ्योरम की कंडीशंस इसको भी देख लीजिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, एज इट इज तैयार करने वाली है, इसको हाईलाइट कर देती हूँ। अब यहाँ देखें ए कोई मैट्रिक्स है एन क्रॉस एन इन्वर्टिबल इफ़ एंड ओनली इफ ए इज़ रो इक्वलेंट टू आई एन, अगर ए हमारे पास रो इक्वलेंट हो टू आई एन, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ एन, एंड इन द केस सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री रो ऑपरेशन द रिड्यूस ऑफ ए एंड आई एन इज ट्रांसफॉर्म इन ए एन आई एन इंटू ए इनवर्स, यानी ए हमारे पास कोई इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, इसी तरह आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ आई है, उस पर भी जब करेंगे तो उन दोनों को ट्रांसफॉर्म करेंगे तो सेम रिजल्ट आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखें एग्जाम्पल्स दी गई है, इस एग्जाम्पल को भी सेम एज इट इज़ अप्लाई किया है, ए मैट्रिक्स है उसको आइडेंटिटी के साथ करेंगे ये आ जाएगा, सेम यहाँ पे वही फॉर्म यूज़ किया है, एचिलान फॉर्म यूज़ कर, एचिलान फॉर्म से रिड्यूस एचिलान फॉर्म, सबसे पहले क्या किया है रो इंटरचेंजिंग किया है, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस जो यूज़ थे ना वही यूज़ किए हैं, सबसे पहले क्या है कि रो इंटरचेंज किया, 1 को 2 के साथ इंटरचेंज कर लिया। नेक्स्ट हमने क्या किया है -4R1, यानी R1 इसको क्या किया, R3 इसको 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको पहले 4 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसे ऐड कर लेंगे ऐसे R3 -4R1, तो ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमें चाहिए ये वाला 0, इस 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, R3 + 3R2, सो ये कंडीशन आ जाएगी। अब देखें यहाँ पे हमें चाहिए 0, इसको 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, ये अप्लाई कर लेंगे, इसी तरह फिर हमें चाहिए यहाँ पे 0, ये कर लेंगे। तो अब यहाँ देखें A का जो इन्वर्स है वो इस तरह का आ गया है, अब ए ए इन्वर्स क्या हो जाएगा, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आइडेंटिटी आ गया, सो ए क्या है इन्वर्टिबल हो गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, ए कोई मैट्रिक्स दिया गया है उसका डिटरमिनेंट लेंगे, डिटरमिनेंट ये आ जाएगा, अब इसी तरह उसको क्या किया है, इस डिटरमिनेंट में यहाँ 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 इन सबको 0 बनाने के लिए क्या किया है, R1 + 2R1 + R2, इसी तरह R3 - 2R1 एंड R4 - 3R1, ये प्रोसेस करेंगे तो सेम ये रिजल्ट आ जाएगा। अब यहाँ देखें एक्सपेंड द फर्स्ट कॉलम, अब फर्स्ट कॉलम को जब एक्सपेंड करेंगे ये और ये एंट्रीज खत्म हो जाएंगी, ये वाली वैल्यू आ जाएंगी, अब ये वैल्यू लिख ली है, यही वाली यहाँ वैल्यू लिख ली है। अब देखें इसका डिटर्मिनेंट करेंगे, अब क्या होगा 5, ये आंसर आ जाएगा, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट इसको करेंगे ये और ये जाएगी तो क्या आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा, इसी तरह जब हम ये करेंगे ये और ये जाएंगे तो ये आंसर आ जाएगा, इसका आंसर क्या आ गया 0 आ गया, सो सिंगुलर हो गया, सो इज़ नॉट इन्वर्टिबल, नॉट सिंगुलर होता तो नेक्स्ट हम इसको करते, सो ये तो सिंगुलर हो गया। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट एग्जांपल है, सबसे पहले तो इसका इन्वर्स लिया है तो ये -1 आ गया, सो -1 नॉन सिंगुलर, इट्स पॉसिबल इन्वर्स। अब यहाँ पे क्या किया है, इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है, वही प्रोसेस करेंगे सेम एज इट इज़, ये प्रोसेस किया है, इसका प्रोसेस करने के बाद हमें रिजल्ट क्या आ जाएगा। अब यहाँ देखें R3 सेम वही प्रोसेस एज इट इज़ करना है, इसको देख लीजिएगा, इसको प्रोसेस करने से क्या आंसर आ गया, ये आ गया। अब नेक्स्ट देखें इन्वर्स ऑफ ए, ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट
डिटर्मिनेंट सेम वैसे ही लेना है जैसे हमने पहले लिया था, इसको करेंगे ये और ये जाएंगे ये वैल्यू आ जाएंगी, इसी तरह माइनस फिर ये लेंगे ये वैल्यू आ जाएंगी, इसी तरह फिर ये लेंगे ये वाली वैल्यू आ जाएंगी, तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब क्या है, अब 6 है इसका मतलब ये नॉन सिंगुलर हो गया, सो इसका जो इनवर्स है मैट्रिक्स का वो पॉसिबल हो गया। अब इसको क्या करेंगे, रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म से सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे इसको और इसको ज़ीरो बनाएंगे, यानी हमें फॉर्म ये वाली चाहिए। अब यहाँ देखें ये भी फॉर्म एज इट इज़ चलती रहेगी, जैसे जैसे हम इस पर अप्लाई करेंगे इस पर भी वही अप्लाई करेंगे। अब यहाँ देखें, यहाँ हमने अप्लाई किया आर टू माइनस टू आर वन, क्यों किया है, अब ये देखें ये टू ख़त्म करने के लिए, इसको ज़ीरो बनाने के लिए क्या किया है, आर टू माइनस टू आर वन, इसी तरह आर थ्री माइनस फाइव आर वन, सेम एज इट इज़ इस पर भी अप्लाई हुआ है वही रूल, इस पर भी एज इट इज़ अप्लाई हुआ है वो रूल, तो क्या हो गया यहाँ भी ये चेंजिंग होती रहेंगी। अब यहाँ देखें मल्टीप्लाई सेकेंड रो, अब हम इसको वन बनाने के लिए माइनस वन बाई टू के साथ डिवाइड कर लेंगे, ये वन बन जाएगा, यहाँ पे भी सेम एज इट इज़ चेंजिंग हो गई। अब नेक्स्ट देखें, यहाँ पे तो वन बन गया, अब इधर हमें क्या चाहिए, इधर कोई, अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, वन वन बनाने के लिए क्या किया है, आर टू को एट के साथ मल्टीप्लाई किया है, उसके बाद हम क्या करेंगे उसको ऐड कर लेंगे, यानी आर थ्री को आर टू के साथ ऐड करेंगे, तो क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ वन आ जाएगा, सेम एज इट इज़ इस पर भी अप्लाई हुआ है वही रूल। अब देखें मल्टीप्लाई थर्ड रो बाई वन बाई थ्री, वन बाई थ्री के साथ किया तो ये आंसर आ गया, इसी तरह यहाँ पे भी वही अप्लाई हो गया, इसको माइनस थ्री को ख़त्म करने के लिए ये हो गया। अब देखें ये भी हमारे पास आइडेंटिटी बनने ही वाली है, आइडेंटिटी बनाने के लिए क्या कमी है, सिर्फ ये जी टू ख़त्म करना है, इस टू को ख़त्म करने के लिए क्या किया, ये प्रोसेस किया है। अब ये प्रोसेस करने के बाद एज इट इज़ हमारे पास लास्ट में क्या रिज़ल्ट आ गया, ये रिज़ल्ट आ गया, ये इनवर्स ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स। अब ए इनवर्स का ओरिजिनल मैट्रिक्स क्या बन गया, ये बन गया। अब ये देखें ये एज इट इज़ वही प्रोसेस हुआ है, उसी पे ही इनवर्स के साथ ही सेम एज इट इज़ ये प्रोसेस आपने करना है, ये प्रोसेस करेंगे तो ये लास्ट में हमें वो रिज़ल्ट देगा। अब देखें ये हमें उसने रिज़ल्ट दे दिया, आप कहते होंगे कि ये टीचर बहुत नोट्स को गंदा कर देती है, पर कोई नहीं, मैं इसको बाद में नीट भी कर लेती रहती हूँ क्योंकि मैं आपको समझाने के लिए। लेक्चर नंबर 13 है, इसमें हम देखेंगे कैरेक्टराइजेशन ऑफ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। सबसे पहले हम देखेंगे लीनियर सिस्टम की को इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, यानी लीनियर सिस्टम का इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं। एक थ्योरम है, इस थ्योरम को देख लें कि ए अगर कोई एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है, अब इसी तरह बी कोई वेरिएबल ले लें, बी कोई मैट्रिक्स ले लें, वो क्या होगा रियल नंबर से होगा, इसको हम इसी इक्वेशन में बनाएंगे तो क्या देगा, यूनिक सॉल्यूशन देगा, यानी ए को उस साइड पर ले जाएंगे तो ए इनवर्स ऑफ बी इज़ इक्वल टू एक्स हो जाएगा, ये यूनिक सॉल्यूशन दे देगा। अब नेक्स्ट इसमें यूनिकनेस की बात की गई है कि अगर हम एक्स को यू का नाम दे देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन दे देगा, उसके बाद एंड पे एक्स इज इक्वल टू यू रिप्लेस कर लेंगे। अब नेक्स्ट इसकी एग्जाम, नेक्स्ट एक थ्योरम है, उसके बाद एक एग्जाम्पल है। अब थ्योरम क्या है कि ए और बी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, उन दोनों को मल्टीप्लाई करें, आइडेंटिटी हासिल हो जाएगा। इसी तरह इसका मतलब क्या है कि ए और बी क्या होगा, आपस में इन्वर्टिबल हैं, यानी ए और बी आपस में इन्वर्सेबल हैं, यानी ए बी का इन्वर्स है, इसी तरह बी ए का इन्वर्स है। अब नेक्स्ट इसकी एग्जाम्पल है, इसमें लीनियर ये लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं। अब थ्री लीनियर इक्वेशन है, इसको हमने क्या करेंगे, सेम एज इट इज़ ही एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस यूज़ करेंगे, जैसे ही हमने पिछली एग्जांपल्स की हैं। सबसे पहले तो इसे ए एक्स इज इक्वल टू बी का नाम दे देंगे, यानी टू वन वन फाइव वन थ्री, इसी तरह वन ज़ीरो एंड फोर, इसको नेम दे देंगे ए का, बाकी एक्स की वैल्यू, इसी तरह ये वाली वैल्यू क्या हो जाएंगी, बी की वैल्यू हो जाएंगी। यहाँ पे ये रूल अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा। सबसे पहले तो ए मैट्रिक्स को क्या करेंगे, ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, माइनस टेन, इसका मतलब नॉन सिंगुलर होगा। अब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट हो गया, अब यहाँ पे वही इन्वर्स आइडेंटिटी को लेके उसको इन्वर्स बनाएंगे।
सबसे पहले तो रो चेंज कर लेंगे, लास्ट थ्री R3 को R1 के, R3 और R1 को आपस में चेंज करेंगे तो ये रो आ जाएगी। अब क्या करेंगे, इसको और इसको ज़ीरो बनाने के लिए ये रूल अप्लाई किया, यानी क्या किया, -5 R1 + R2, इसी तरह -2 R1 + R3। सो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा इसी तरह सेम एज इट इज़, इस पर भी अप्लाई होगा। इस पे अप्लाई होने के बाद ये रिजल्ट आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे ज़ीरो चाहिए, ज़ीरो बनाने के लिए क्या किया है, -R2 + R3, इस पे भी सेम एज इट इज़ अप्लाई हो गया। अब देखें हमें यहाँ पे चाहिए वन, इसको वन बनाने के लिए डिवाइड कर देंगे, वन इसको 10 के साथ डिवाइड करेंगे, यहाँ जी वन हो जाएगा और यहाँ पे ये रिजल्ट आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे हमें ज़ीरो, इन दो वैल्यू को ज़ीरो बनानी है, बाकी वैल्यू आइडेंटिटी हो गई। क्या करेंगे, -4 R3 + R1, इसी तरह 17 R3 + R2। सो ये रिजल्ट बन गया एज इट इज़, यहाँ आइडेंटिटी आ गई, ये रिजल्ट आ गया, ये रिजल्ट क्या हो गया, ए का इनवर्स आ गया। अब ए इनवर्स बी, अब इसको बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ए इनवर्स बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसको इसके साथ, अब सेपरेट इसको अलग करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, उसको भी सेम एज इट इज ही करेंगे, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में करेंगे, एक्स इज इक्वल टू बी ए, एक्स एंड बी की वैल्यू फाइंड करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे, ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। सो इस पे भी सेम एज इट इज़ ऑपरेशंस भी होंगे, इन दोनों को ज़ीरो बनाएंगे, ये हो गया, ये सारा प्रोसेस करेंगे सेम एज इट इज़, वही प्रोसेस हुआ है। उस प्रोसेस के बाद ए इनवर्स की वैल्यू आ गई, अब ए इनवर्स को बी के साथ मल्टीप्लाई करने से ये आंसर आ गया। अब X1 एंड X2 एंड X3 की वैल्यू क्या आ गई, X1 इज इक्वल टू 1 एंड X2 इज इक्वल टू -1 एंड X3 इज इक्वल टू 1। अब एक नोट है, इस नोट को भी देख लें, कि द नंबर ऑफ इक्वेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन, यानी नंबर ऑफ इक्वेशंस जो हैं वो नंबर ऑफ अननोन क्या हों, इक्वल हों। अगर ये नहीं होंगे तो ये फेल हो जाएगी, यानी इन्वर्टिबल नहीं होगी, ये तभी कंडीशन होल्ड करेगी जब ये इक्वल होंगे। अब एग्जाम्पल नंबर 3 है, इसको भी सेम एज इट इज ही अप्लाई किया है। अब सबसे पहले तो इसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे, इसका डिटर्मिनेंट लिया तो वो ज़ीरो आ गया, अब यहाँ देखें ज़ीरो आ गया, नॉन सिंगुलर हो गया, नॉन सिंगुलर हो गया, सो ये क्या हो गया, नॉट इन्वर्टिबल। नेक्स्ट जो है, द सोल्यूशन ऑफ सिस्टम इज़ एन क्रॉस एन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन विद इन्वर्टिबल कोफिशेंट मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट एक थ्योरम है, ए एक्स इज इक्वल टू बी इज़ अ होमोजीनियस लीनियर सिस्टम। अगर ए एक्स इज इक्वल टू बी होमोजीनियस लीनियर सिस्टम है, एन इक्वेशन एंड एन नाउन अननोन, जिसमें एन इक्वेशंस हैं और एन अननोन है, देन द कोफिशेंट मैट्रिक्स ए इज़ इन्वर्टिबल, उसमें द कोफिशेंट मैट्रिक्स जो ए है वो इन्वर्टिबल होंगे इफ़ एंड ओनली इफ ओनली द ट्रीवियल सोल्यूशन। अगर वो इन्वर्टिबल हैं तो इसका मतलब क्या है, कि वो ट्रीवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। अब नेक्स्ट एक एग्जाम्पल्स देख लें, इस एग्जाम्पल्स से आपको क्लियर हो जाएगा। ये मैट्रिक्स, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में करेंगे, अब मैट्रिक्स फॉर्म में किया तो ये आंसर आ गया। अब इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। दिस इज़ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन द ट्रिवियल सॉल्यूशन। अब यहाँ देखें, जब हमारे पास इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है और इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, तो क्या हो गया, होमोजीनियस लीनियर सिस्टम है, इसका मतलब क्या है, कि ये ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अब यहाँ देखें नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में क्या किया, ए एक्स इज इक्वल टू बी, अब ए को क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट करेंगे, आंसर क्या आ गया, -8, सो ए इज़ इन्वर्टिबल। अब इसको भी सेम एज इट इज़ वैसे ही अप्लाई किया है, रूल अप्लाई किए हैं, इसको ज़ीरो बनाने के लिए ये फॉर्म किया है, इसी तरह उसके बाद यहाँ पे वन बनाना है, सेम एज इट इज़ यहाँ पे वन बनाना है, ये रूल अप्लाई किए हैं सारे, इसको देख लीजिएगा। लास्ट में हम देखें, ये आइडेंटिटी बन गया और ये मैट्रिक्स जो है वो ए इनवर्स फाइंड हो गया। अब ए इनवर्स को क्या करेंगे, बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको जब बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये आंसर आ जाएगा।
अब यहाँ देखिए हमने एक्स वन एक्स टू एंड एक्स थ्री की वैल्यू फाइंड कर ली। एक्स वन क्या आ गया 0, एक्स टू 0, इसी तरह एक्स थ्री क्या हो गया 8 हो गया। ये वैल्यू कब हासिल हुई है, जब हम इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक के साथ मल्टीप्लाई किया है, तो ये आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखिए इनवर्टिबल मैट्रिक्स थ्योरम। इस भी इसमें थोड़ी सी कंडीशंस हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी एज इट इज़ ही, थोड़ी सी मतलब डिफ़िकल्ट नहीं है, बस आप इसको देखें तो ज़्यादा अच्छी बात है। अब देखें ए इज़ इनवर्टिबल मैट्रिक्स, इसी तरह ए इज़ इक्वलेंट टू एन क्लास एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ए इज़ एन पिवट पोजिशन, ए एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो इज़ ट्रेवियल सोल्यूशन। ये एज इट इज़ आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा, कोई भी स्टेटमेंट आ सकती है पेपर में। द कॉलम ऑफ ए फ्रॉम लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स इज वन वन, ये सब देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो है इनको देखेंगे ना, ताकि आप जो अगली एग्जाम्पल करेंगे तो आपको समझ होगी कि ये जो एग्जाम्पल कर रहे हैं उसमें कौन सी कंडीशन होल्ड कर रही है। एग्जाम्पल नंबर 6 है, इसमें फाइंड करना है कि ए क्या है, इनवर्टिबल है। इनवर्टिबल फाइंड करने के लिए क्या किया है, सोल्यूशन देखें, इसको ज़ीरो बनाने के लिए ये प्रोसेस हुआ सेम एज इट इज़, सो ये आंसर आ गया। द पिवट पोजीशन हिंस द इनवर्टिबल बाय द इनवर्स मैट्रिक्स इज सी। अब ये देखें इसकी सी की कंडीशन, इस कंडीशन क्या था, ए हैज़ एन पिवट पोजीशन, यानी ए में एन पिवट पोजीशन। यहाँ देखें इसकी पिवट पोजीशन क्या हो गई, वन, यहाँ पे वन, यहाँ पे -7, यानी एन टाइम तक, जितने टाइम तक ये मैट्रिक्स है उतने टाइम तक की पिवट पोजीशन आ गई, तो इसका मतलब ये क्या होगा, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हो गया। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल्स देखें, एग्जाम्पल नंबर 7, ए मैट्रिक्स दिया गया है, इसको क्या करेंगे, सेम एज इट इज़ ही अप्लाई किया है हमने, इस मैट्रिक्स को जब अप्लाई किया है वही 3 रूल अप्लाई किए हैं, यहाँ पे 0 बनाया, यहाँ पे 0 बनाया, उसके बाद यहाँ 0 बनाया, तो क्या आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। हेयर इज़ 3 पिवट पोजीशन, अब देखें यहाँ पे वो ये है, ये है और ये है, इसमें 3 पिवट पोजीशन है, हिंस इज़ इनवर्टिबल। अब उसी तरह यहाँ पे भी थ्योरम की सी वाली कंडीशन होल्ड कर रही है। अब नेक्स्ट जो मैट्रिक्स है, फाइंड ए ट्रांसपोर्ट, शो दैट ए ट्रांसपोर्ट इज़ इनवर्टिबल। सबसे पहले तो इसका ट्रांसपोर्ट लेना है, उसके बाद फिर हम उस ट्रांसपोर्ट को सॉल्व करेंगे। अब ये ट्रांसपोर्ट ले लिया, यहाँ पे 0 बनाना है, 0 बनाने के लिए ये अप्लाई किया, उसके बाद क्या करेंगे, आर टू थ्री को चेंज कर लेंगे। जब चेंज के क्यों किया है कि यहाँ पे 0 नहीं चाहिए, यहाँ पे हमें पिवट पोजीशन चाहिए। अब इस पिवट पोजीशन को क्या चाहिए, या पिवट पोजीशन हमें 1 चाहिए, उसके बाद ये वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0, तो ये अप्लाई कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हमें यहाँ 1 चाहिए और ये वाली वैल्यू क्या हो, 0 होनी चाहिए, ये अप्लाई कर लिया। उसके बाद सेम एज इट इज़ आर थ्री को आर फोर के साथ किया, तो ये आंसर आ गया। अब लास्ट में ये हमारे पास एक फाइनल आंसर आ गया इसका, ए हैज़ 4 पिवट पोजीशन। अब देखें यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे 4 पिवट पोजीशन है, इसी तरह इस थ्योरम सी की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। ए इनवर्स मैट्रिक्स है, इसमें भी सेम एज इट इज़ वही अप्लाई किया है। अब यहाँ देखें ए हैज़ 4 पिवट पोजीशन, तकरीबन ही वही रूल अप्लाई होता जा रहा है, तो वो क्या है, इनवर्टिबल हो रहा है। अब नेक्स्ट देखें, सॉल्विंग मल्टीपल लीनियर सिस्टम विद कॉमन कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ए एक्स वन इज इक्वल टू बी वन, इसी तरह ये मैट्रिक्स के टाइम तक है, ए एक्स टू इज इक्वल टू बी टू, इसी तरह ए एक्स के इज इक्वल टू बी के। अब क्या होगा, ए एक्स वन किसके इक्वल होगा, ए इनवर्स, इसी तरह एक्स टू इसके इनवर्स, इस तरह ये इसके इनवर्स, ये आ गया। फाइंड नंबर 9 देखें, लेट आर बी द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम आर टू से पी टू। अब ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास दी गई है, इसको फाइंड करते हैं। अब देखें ए क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, जिसकी बेस क्या है, आर टू। अब सबसे पहले 0 1 पे ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे, 1 और 0 पे। अब यहाँ वैल्यू बारी बारी इसमें पुट करें तो क्या आंसर आ जाएगा, टी स्क्वायर। इसी तरह उसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी ट्रिपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोफिशिएंट पॉलीनोमियल ऑफ टी स्क्वायर। जब इसको टी स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे, यानी 0
यानी वन और टी स्क्वायर इस फॉर्म में आ जाएगा ना, पोलिनोमियल की फॉर्म में। इसी तरह जब हम पुट करेंगे ज़ीरो वन तब भी टी स्क्वायर आंसर आ जाएगा। अब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लें, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, ए में क्या आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 10, ये भी सेम एज इट इज़ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, इसमें अप्लाई कर लेना है। इसकी भी बेस क्या है, आर टू है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, वन ज़ीरो पुट करेंगे, इसमें ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह ज़ीरो वन पुट करेंगे, ये आंसर आ जाएगा। सो इसका सलूशन क्या आ जाएगा, इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये इसका सलूशन आ जाएगा। अब एक इम्पॉर्टेंट नोट्स है, इसको भी देख लें। इसमें बात ये की गई है कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स थ्योरम अप्लाइड ओनली द स्क्वायर मैट्रिक्स। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स थ्योरम तब अप्लाई होगा जब स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 4x3 मैट्रिक्स हैं यानी लीनियरली इंडिपेंडेंट है, वी कैन नॉट या इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। क्यों, अब यहाँ देखें स्क्वायर मैट्रिक्स तो है ही नहीं। सबसे पहले तो बात इन्होंने यही किया कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। अब उसका सोल्यूशन क्या होता है, यूनिक सोल्यूशन होता है, ए एक्स इज इक्वल टू बी। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट यानी एक्स हमारे पास है, उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते थे ना, एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं ए के साथ। एक्स को जब हम ए के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जस्ट उसे फिगर में डिफाइन किया गया है, ए को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे ए के साथ, तो क्या आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन को भी देख लीजिएगा, इस डेफिनेशन को भी देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, एज इट इज ही देख लीजिएगा। इम्पॉर्टेंट नॉट द इनवर्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट, इट इज़ यूनिक। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है, द इनवर्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का जो इनवर्स होगा वो क्या होगा, यूनिक होगा। प्रोपोजिशन है, लेट टी सेट दैट आर एन टू आर एम, यानी कोई ट्रांसफॉर्मेशन आर एन से आर एम तब वह लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स क्या होगा, ए एक्स। इसी तरह अगर एम क्रॉस एन मैट्रिक्स है उसकी मैपिंग क्या होगी, वाई इज इक्वल टू टी ऑफ एक्स इज यूनिक सोल्यूशन। यानी उसकी भी ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे यानी इन्वर्टिबल करेंगे, क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन देगा। अब एक इसमें भी केस है, एम क्रॉस अगर एम क्या हो, लेस देन एन हो, तो ये कंडीशन आ जाएगी। इसी तरह अगर एम एन है तो फिर क्या होगा, अब यहाँ देखें एम क्रॉस एम लेस एन है, देयरफॉर वाई इज इक्वल टू ए एक्स इज नॉट इन्वर्टिबल, उसके क्या होंगे, नो सॉल्यूशन, एदर नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अगर a लेस n है तो इसका मतलब उसमें क्या होंगे, नो सोल्यूशन या इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। इसी तरह a इज इक्वल टू n है तो यूनिक सोल्यूशन आ जाएगा। अब केस थ्री है, केस थ्री में m ग्रेटर n, अगर m ग्रेटर n है तो इसका मतलब नॉन इन्वर्टिबल, बिकॉज वी कैन फाइंड द वेक्टर ऑफ y, यानी इनकॉन्सिस्टेंट सोल्यूशन आ जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट इसकी एक्सरसाइज है, अगर आपको इस लेक्चर में से कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं ताकि मैं आपको उसकी डिटेल से वजाहत दे दूं। इन थ्योरम की या इन एग्जांपल की मज़ीद अगर आपको डिटेल चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ, अल्लाह हाफिज़।